उसको लेके आती है भारी बंदोबस्त में और उसको अब आरओ के दफ्तर में जाके बिठाया है। आरओ के दफ्तर में बिठाने का पुलिस का क्या मतलब है? वो व्यक्ति अगर नॉमिनेशन कर चुका है, उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है, तो पुलिस स्क्रूटनी, पुलिस अपनी पूरी घेर के उसको, 500 पुलिस वाले घेर के उसको आरओ के दफ्तर में क्यों लेके आए हैं? जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा वहाँ का प्रशासन इस मदद में लगा हुआ है कि उसको पुलिस से, गुंडों से, हर तरह से दबाव बना के कंचन जरीवाला जी का नॉमिनेशन वापस लिया जाए। बीजेपी सूरत ईस्ट की सीट बुरी तरह से हार रही है और पुलिस का इस तरह से गुंडों का और पुलिस का यूज करके वो हमारा नॉमिनेशन वापस लेवाना चाहती है। मैं अभी चुनाव आयोग में जा रहा हूँ और चुनाव आयोग से कहूँगा कि इस चीज़ को तुरंत संज्ञान में ले और उन तमाम पुलिस वालों से पूछे, उन अफसरों से पूछे। अभी तक हमको कह रहे थे ना कि हम डीएम से बोल रहे हैं, एसएसपी से बोल रहे हैं, या एसपी से बोलने का मतलब क्या है? अगर एसपी उनको 500 पुलिस वालों के साथ में उन पर दबाव बना रहा है, एसपी और डीएम से कहने का मतलब क्या है? चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी कर क्या रही है वहाँ पे? पुलिस अगर गुंडों की तरह से, भारतीय जनता पार्टी की गुंडों की तरह से फौज बना के और कैंडिडेट को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए दबाव बना के आरओ के दफ्तर में बिठा रही है, तो फिर ये लोकतंत्र में हो क्या रहा है? चुनाव के नाम पे ढकोसला क्यों हो रहा है ये देश में? मैं अभी जाके चुनाव आयोग के दफ्तर में जा रहा हूं। बीजेपी मशीनरी को मिसयूज कर रही है गुजरात, खुलेआम मशीनरी का यूज हो रहा है। कोई आदमी कल अपना नॉमिनेशन क्लियर करके गया है, उसको किडनैप कर लिया गया, और जब सुबह से हम कह रहे हैं किडनैप हो गया, बंदा पता नहीं चल रहा है, हमारा कैंडिडेट, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, किडनैप हो गया है, तो अब वो भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच 500 पुलिस वाले घेर के उसको लाए हैं और उसको आरओ के दफ्तर में बिठाया है। क्या स्टेटस है कि वो संपर्क हो पाया या किसी से पुलिस वापस ले लिया है? किसी से पुलिस वहाँ बात नहीं करने दे रही है। मैं चुनाव आयोग जाऊंगा, नॉमिनेशन वापस ले लिया है यानी अभी किसी को कोई बात नहीं करने दी जा रही है। आज उसको आरओ के दफ्तर में पुलिस क्यों लेके गई है? 500 पुलिस वाले उसको घेर के आरओ के दफ्तर में क्या करवाने लेके गए जब उसका नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया? जाहिर सी बात है कि जो काम बीजेपी के गुंडे नहीं कर पाए वो वहां पुलिस से कराया जा रहा है कि जाके पुलिस के 500 लोगों से घेर के उसको वहां आरओ दफ्तर में बैठ के उसको गन पॉइंट पे उससे वापस लिवाया जा रहा होगा। सर, ये स्टेट लीडरशिप का काम लग रहा है, नेशनल लीडरशिप का, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी कहा गया था कि केंद्र से बहुत, ये स्टेट और नेशनल में गुंडे ही लीडरशिप का काम है।